सब्सक्राइब कीजिए प्रिंसेस परी ऑफिशियल चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। होली का त्यौहार हो या दिवाली का त्यौहार, दही वड़ा हम हर ओकेशन पे बनाना पसंद करते हैं, तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दही वड़ा रेसिपी। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो जिसे दही वड़ा नहीं भी बनाना आता वो भी बना सकता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके लिए लिया है मूंग दाल, ये हमने 2 कप लिए हैं और इसे रात भर हमने भिगो लिया था पानी में और सुबह इसे अच्छे से हमने धो लिया है 3-4 पानी से। और अब हम इसे ग्राइंडर में डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें हमने बस थोड़ा सा ही पानी डाला था, तो देखिए बिल्कुल इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक ऐसे फेंटते रहना है और बिल्कुल एक डायरेक्शन में हमें इसे फेंटना है। ताकि जो हमारे दही वड़े वो फूले फूले हों। तो इसे जितना ज़्यादा देर तक फेंटेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने वाला सोडा, बस मैंने चुटकी भर लिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चेक करेंगे हमारा पेस्ट रेडी है या नहीं। इसके लिए हम एक पानी लेंगे एक बाउल में और इसमें थोड़ा सा डालेंगे। देखिए अगर ये ऊपर आ जाता है तो हमारा पेस्ट रेडी है। तो देखिए ये ऊपर आ गया है, तो ये घोल बिल्कुल तैयार है। तो इसे थोड़ा सा हम और फेंट लेते हैं और इसे फेंटने के बाद 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो देखिए तेल हमें इसमें ज़्यादा ही लेना है कि हमारे वड़े अच्छे से फूल सके। तो ध्यान रखें तेल जब पूरा गर्म हो जाए तभी हमें डालना है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, अगर ये तेल के ऊपर आ जाता है तो ये हो चुका है तेल पूरी तरीके से गर्म। तो देखिए हमारा तेल अब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें इस तरीके से थोड़े थोड़े मिक्सचर डालेंगे। तो अगर आपको बड़ा बड़ा बनाना हो तो आप ज़्यादा डालें, मैं छोटा ही डाल रही हूँ। तो देखिए हमें बिल्कुल इस तरीके से डालना है। हमें वड़े को बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है और जब ये थोड़ा हो जाए तो इसे हम पलट देंगे, बिल्कुल इस तरीके से चलाएंगे। तो देखिए ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरी बार इसमें मिक्सचर डालेंगे
तो देखिए हमारे वड़े फूले फूले हो रहे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप मिक्सर को इस तरीके से भी डाल सकते हैं चम्मच की मदद से। तो देखिए हम वड़ों को निकालने के बाद एक तपेली में पानी लेंगे और उसमें डालेंगे ताकि हमारे वड़े अच्छे से फूल जाए, और इसे हम 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद निकाल लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से दबा लेना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और हमारे वड़े रेडी हैं, कितने अच्छे हुए हैं फूले फूले। तो अब हम दही तैयार करेंगे। इसके लिए दही को मैंने ले लिया है एक बाउल में और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी दही भी रेडी है, तो अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसमें वड़े डालेंगे। ये वड़े भले देखने में छोटे लग रहे हो लेकिन ये बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट। अब हम डालेंगे इसके ऊपर दही। तो दही हमें ज़्यादा ही डालना है ताकि अच्छे से भीग जाए। तो दही डालने के बाद अब हम इस पे डालेंगे काला नमक। तो नमक हमें ज्यादा यूज नहीं करना है क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ जीरा पाउडर। तो देखिए हमें बिल्कुल इस तरीके से छीट लेना है इस पे। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप ज़्यादा यूज़ करें, मैंने इसमें थोड़ा ही डाला है। आप चाहे तो इसमें इमली की चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए लाल मिर्च का पाउडर। तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। तो ये दही मैंने घर पे ही बनाई थी, आप घर पे ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी धनिया पत्ता। तो इसे हमने बिल्कुल बारीक काट लिया था। तो देखिए हमारे दही वड़े बिल्कुल रेडी हैं और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब